किसान भाइयों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे कृषि में आईटी यानी जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है या इसकी कितनी ज़रूरत है। हमारे साथ कार्यक्रम में है केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर डी करुणाकरन। करुणाकरन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम। करुणाकरन जी, जहाँ तक कृषि में आईटी का सवाल है या सूचना प्रौद्योगिकी का सवाल है, तो इसकी क्या भूमिका हो सकती है, क्या रोल हो सकता है, आप क्या बताना चाहेंगे? किसान भाइयों के लिए सही समय में जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है। शानदार सूचना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत जल्दी में मिल सकते हैं। एक बहुत बड़ी मुश्किल थी किसान के लिए, समय में उनका जानकारी नहीं मिलता था। जानकारी के लिए वो लोग गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ता था, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता था। अभी बहुत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टूल्स का द्वारा बहुत जल्दी मिल जाता है। एक साथ में सब उनका घर में बैठ के बहुत देख सकते हैं, मोबाइल में ही मिल जाता है। हाँ, मोबाइल में मिल सकता है जी। अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी का द्वारा किसान भाइयों घर में बैठ के जानकारी ले सकते हैं। अभी नया टेक्नोलॉजी मोबाइल ऐप के द्वारा किसान को जरूरत को पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जिससे कि किसानों को जो ज़रूरत है उसके बारे में जानकारी आसानी से मिल सकती है। जैसे कि आपने बताया कि इसके लिए ऑफिस जाना या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, खुद ही बैठ के देख सकते हैं। और यहाँ तक कि किसान बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ना भी हो तब भी उसका वो इस्तेमाल कर सकता है। करुणाकरन जी, देखिए जो मोबाइल ऐप्स हैं, ICAR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भी बहुत सारे बनाए हैं जो कि किसानों के लिए है, तो इसके बेनिफिट्स के बारे में ज़रा बताएं, इससे क्या फ़ायदे हैं इन मोबाइल ऐप्स के? सर, अभी टेक्नोलॉजी के ज़माने में मोबाइल में बहुत सारे जानकारियाँ आराम से मिल सकते हैं। उसमें खेती के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ घर में बैठ के प्राप्त कर सकते हैं जी। अभी कैसा दवाई स्प्रे करना, इसका पूरा उनका मोबाइल में हैंडगल उनका मोबाइल में मिल सकता है। उसके बाद उनका किसी के प्रकार का बीमारी कुछ उनका दिखाए तो उसका मोबाइल ऐप्स में फोटो लेके उसका सप्लाई करके उसका क्या डिजीज़ है, उसका क्या क्या करना पड़ेगा, वो पूरा जानकारी उनका फील्ड में मिल जाएगा। अच्छा। पहले तो उसका लेके इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता था, उसका भी दो तीन दिन वेस्ट हो जाता था, उसका पहले क्रॉप फेलियर हो जाता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी उनका मोबाइल में उसका बहुत डेटाबेस बना के रखा, कितना डिजीज़ का डेटाबेस है, वो पर्टिकुलर क्रॉप सेलेक्ट करके उसका फोटो लेके उसका तुरंत सर्च करेंगे, उनका मालूम हो जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या क्या फर्टिलाइजर करना पड़ेगा, उसका कितना फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, उसका कैलकुलेटर भी है, उसका क्या क्या दवाई देना पड़ता है, ये पूरा जानकारी हमको इमीडिएटली मिल जाता है, उसी समय मिल जाए, उस समय मिल जाता है बिल्कुल। अब उसके बारे में मौसम के बारे में मिल जाता है, तो मौसम का कृषि के लिए बहुत जरूरी है। तो मौसम सपोज आज हो जाए तो उनका कैसा दवाई करना, उसका लेट करना क्या, उसका पूरा जानकारी उनका मौसम से उनका मालूम हो जाएगा। मार्केट का ट्रेंड मिल जाता है, सपोज मार्केट ट्रेंड सपोज अभी बढ़ेगा कमेगा, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो कृषि उपायों के लिए बहुत फायदा मिल जाएगा, उनका प्रॉफिट मिल जाएगा। तुरंत लाभ होगा तो तुरंत बेच सकते हैं, नहीं होगा तो उनका स्टोर करके रखें, कब सादा होगा वो टाइम उसका बिक्री कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो मार्केट ट्रेंड अगर पहले से मालूम हो जाए तो अपनी स्ट्रैटेजी पहले से वो डेवलप कर सकते हैं। तो अभी तो गवर्नमेंट स्कीम योजना आने के लिए उस गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा, उसका भी देखना पड़ेगा। अभी पूरा मोबाइल आपसे फिंगर में मिल जाएगा, किसान भाई के लिए क्या क्या योजना है, क्या क्या स्कीम है, कैसा प्राप्त कर सकते हैं, कैसा उसका यूज़ कर सकते हैं, वो इसलिए ऐसा यूज़ करके उनका प्रॉफिट डबल द इनकम उनका फार्मर्स ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं जी। करुणाकरन जी, देखिए आपने बताया कि मोबाइल ऐप्स के इतने सारे फ़ायदे हैं कि जो काम पहले संस्थान में जाना पड़ता था, डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, अब किसान को तुरंत अपने मोबाइल में सारी चीज़ें मिल जाती है। बहुत सारे ऐप्स जो हैं भारत सरकार ने भी डेवलप की हैं, जैसे अभी ई गोपाला ऐप, अभी प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया है, इससे पहले किसान सुविधा है, इस तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं। तो कुछ ऐप्स के बारे में आप बताना चाहेंगे, कौन कौन से ऐप हैं खासतौर पर जो ICAR ने विकसित किया है? जी, अभी तक 250 का मोबाइल ऐप्स हमारे ICAR में डेवलप करके रखा, उसमें 140 ऐप्स इंग्लिश में हैं, कोई 30 ऐप्स उसका हिंदी में भी रखा, और पूरा ऐप्स रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है, क्षेत्रीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषा में पूरा अवेलेबल है। अच्छा। उसका मेन मोबाइल ऐप्स का इसका पूरा आपका हमारा ICAR का कृषि पोर्टल करके एक पोर्टल है, वो पोर्टल में जाके उसका डाउनलोड कर सकते हैं। मेनली आपका सब क्रॉप का एक एक मोबाइल ऐप्स है। अच्छा। अभी देखिए आम की सुरक्षा, कैन एडवाइजर, ऑयल पाम का डिजीज कैसा है, ऑयल पाम कैसा कल्टिवेट करेंगे, मशरूम कैसा कल्टिवेट करेंगे, खेती के क्यान कैसा करेंगे, सीड कैसा सेलेक्ट करेंगे जी, जी। उसका फर्टिलाइजर कैलकुलेटर कैसा करेंगे, ऐसा एनिमल हस्बेंड्री का भी, पोर्ट का, तो बाद पोलिट्री का, शीप का, ये पूरा हस्बेंड्री का पूरा कंप्लीट ऐप्स एक एक करके उसमें रखा जी, जी।
सुगार पालन करने के लिए भी, पशु पोषण करने के लिए सब, फिशरीज में भी कितना फिशरीज आप एक ऐसा कल्चर करना, क्या न्यूट्रिशन वैल्यू अवेलेबल है, क्या क्या फिश में क्या क्या न्यूट्रिशन है, ये पूरा महिला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, चाइल्ड के लिए क्या स्पीसीज लेना पड़ेगा, कौन सा फिश स्पीसीज लेंगे तो उनका फायदा मिलेगा, क्या क्या न्यूट्रिशन अवेलेबल है, क्या ओमेगा है, क्या फैटी एसिड है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपका उसके बारे में, फिशरी के बारे में हमारे पास मोबाइल ऐप्स है। तो ये आपका पूरा किसान लोग उससे फायदा उठा सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि मार्केट के बारे में भी है, एग्रोमेट एडवाइजरी भी आजकल डेली अपडेट आ रहा है, कैच भी उसका मिल जाता है, कहाँ कैच ज़्यादा हो रहा है, कौन सा स्पीसी ज़्यादा मिलता है, वो भी मिल सकता है। बिल्कुल। तो करुणाकरण जी, जैसे कोई मान लीजिए कोई किसान अभी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, मुर्गी पालन कर रहा है, तो अगर वो मुर्गी पालन का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लें, तो उसे जैसे आपने बताया मालूम हो जाएगा कि मुर्गियों में कौन सी बीमारी है या दाना कितना देना है, जैसे कैलकुलेटर भी उसमें है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आसानी से हो सकती है। इसे डाउनलोड कहाँ से किया जा सकता है? एक तो दो ऑप्शन है, एक तो आपका गूगल प्ले स्टोर में जाके सर्च करके पर्टिकुलर कीवर्ड देंगे तो आपका डाउनलोड कर सकता है। अदरवाइज हमारा का ICR में कृषि पोर्टल करके डेवलप करके रखा है। जी जी जी। वो कृषि पोर्टल में आपको उधर जाके पूरा मोबाइल का एक सेक्शन है, उधर जाके आपका सर्च करके हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, क्या लैंग्वेज में चाहिए, वो आपका सेलेक्ट करके स्पीसीज वाइज, आइटम वाइज, क्रॉप वाइज आपका डाउनलोड करके, आपका रिक्वायरमेंट है वो डाउनलोड करके आपका आराम से यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। और आजकल तो बहुत सारे जो युवा हैं वो भी खेतीबाड़ी में आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी बहुत सारे जो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो खेतीबाड़ी में आ रहे हैं, तो उनके लिए तो खासतौर पर ये बहुत ही ज़रूरी भी है, लाभदायक भी होगा। तो इसके अलावा, ऐप्स के अलावा भी कुछ ऑडियो वीडियो भी उपलब्ध है? जी सर, सेम कृषि पोर्टल में ऐप्स का तो अलग और कुछ वीडियो गैलरी है, ऑडियो क्लिपिंग है, सम लिटरेचर है, पैम्पलेट्स है, तो पूरा हिंदी में कोई भी लैंग्वेज में आराम से लेके उसका देख सकते हैं। वीडियो गैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपका करने के पहले प्रैक्टिस करने कैसा करना, ये पूरा आपका आराम से वीडियो से आप देखे आपका उसका संभाल कर सकते हैं, आपका वो यूज़ कर सकते हैं आपका फील्ड में। बिल्कुल, क्योंकि जब दिख जाएगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। ये तब हो सकता है जब कोई एक्सपर्ट के पास आप जा ना पा रहे हो, बहुत नज़दीक ना हो, कोई इंस्टीट्यूट नज़दीक ना हो, तब भी ये सारी जानकारियाँ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो करुणाकरण जी, आपने सूचना प्रौद्योगिकी है, IT है, कृषि में कैसे किसानों की मदद कर सकता है, इस बारे में जानकारी दी है। जैसे कि आपने बताया कि जो उद्यमी हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो खेतीबाड़ी में आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छा साधन हो सकता है। तो आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।